करण जौहर की अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो रिलीज की पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रांची बेस्ट राइटर ने करण पर फिल्म की कहानी कॉपी करने का आरोप लगाया है। हाल ही में फिल्म पर लगे कॉपीराइट केस में रांची सिविल कोर्ट ने एक आदेश दिया है। कमर्शियल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट में की जाएगी। रांची बेस्ट राइटर विशाल सिंह ने करण जौहर पर आरोप लगाया है कि जुग जुग जियो का कंटेंट उनकी कहानी पन्नी रानी के जैसी है। विशाल ने कहा कि उनकी कहानी फिल्म में बिना उन्हें क्रेडिट दिए यूज की गई है। उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने को कहा है, साथ ही 1.5 करोड़ रुपयों के मुआवजे की मांग भी की है। सिनेमाघर में रिलीज होने के पहले फिल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट में की जाएगी। जस्टिस MC झा फिल्म देखने के बाद निर्णय लेंगे कि जुग जुग जियो ने कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है या नहीं। कोर्ट दोनों साइड की दलीलों पर विचार भी करेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने भी पोस्ट शेयर कर करण जौहर पर उनका गाना चुराने का आरोप लगाया है। अबरार ने लिखा, मैंने अपना गाना नाच पंजाबन किसी भी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा है। मैंने राइट्स रिजर्व रखे हैं ताकि हर्जाने के लिए कोर्ट जा सकूं। करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स को गाने कॉपी नहीं करने चाहिए। ये मेरा 6वां गाना है जिसे कॉपी किया जा रहा है, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।